आज का मौकफ क्या है, जरा मुस्लिम लीग नून का आज का मौकफ सुने, जवेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं। भाई आप ये देखें, जिस बूट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इस बूट को पहनकर लोगों ने हमारी रियासत का दफा किया, इस बूट को पहनकर लोगों ने शहादतें दी हैं, इस बूट को पहनकर लोग गाजी हुए हैं, इस बूट को पहनकर आपके चप्पे चप्पे की लोगों ने हिफाजत की है, हम किस तरह उनको भुला दें। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में अमन ये लोग लेकर आए, अपनी जानों के नजराने देकर लेकर आए। मगर जब हामिद मीर साहब, अगर इनके इतिहादी परवेज़ अलाई साहब बात करें तो वो भी ठीक है, वो जब ये कहें कि पीटीआई को बनाया उन लोगों ने, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और अगर ये बात शिकवा हम कर दें कि हमारे इलेक्शन चुराए गए, तो हम गद्दार ठहरते हैं। आप ये देखें कि ये बूट के हवाले से क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है इन लोगों ने पास इस तरह करवाया, उन्होंने तो सीधा। मैं कहता हूँ कि हामिद मीर साहब, फैसल वाडा साहब की कोई हैसियत नहीं है, ये कोई बात खुद से कर नहीं सकते, ये बात करवाई गई है। और ये बात करवाने वाला कौन है, जिसका नाम है इमरान खान। अब देखिए ना, इमरान खान पे इल्ज़ाम लगे, आपने कह दिया कि इमरान खान साहब इज़ नॉट हैप्पी ऑन द बूट थिंग, लेकिन अब अपोजिशन को आपने जस्टिफिकेशन दे दी, वो कहेगी ये फैसल वाडा से इमरान खान ने काम कराया, तो बेहतर है कि आप सॉरी कर लें, माफ़ी मांग लें। मुझे एक बात बताएं सर, मैं कोई तहलील करूं तो मेरी परवरिश मेरे माँ बाप ने ऐसी की कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े आदमी से मैं पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं ठीक हूँ तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया के आगे खड़ा भी हो सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी परवरिश है। मुझे आप ये बता दें कि ये जो चार्ज शीट मैंने नवाज शरीफ की बताई है और जो मैंने कल आईना दिखाया अपोजिशन को, जिसको देख के भाग गई, उसमें गलत क्या किया मैंने? आईना है, आईना ही दिखाया ना मैंने उनका। अच्छा, देखे, मुझे एक बात है, आपकी यकीनन परवरिश बहुत अच्छी की आपके वालदैन ने, लेकिन आप किसी के घर में या किसी के दफ्तर में जाएं और वहां पर तीन मेहमान बैठे हों और आप अपना जूता उतार के मेज पर रख दें, क्या ये हमारी तहजीब और इखलाक के दायरे में आता है? देखिए, ये डिबेट आप जरूर कर सकते हैं कि तरीकेकार में आप सवाल उठा सकते हैं, यही सवाल उठा, लेकिन मेरा सवाल तरीकेकार को हटा दे, मैंने आपकी बात मान ली, गलत हुआ सही हुआ, इस डिबेट को एक बार हटा देना, मैंने जो अपोजिशन से बात की है उसमें वो जवाब नहीं दे सकते मुझे कि आप वक्तन वक्तन गोली खा, अभी भी क्या हुआ, अभी भी आप इस हद तक गिर गए कि आपने बीमारी का ड्रामा किया, प्लेटलेट्स आपके सेकंड सेकंड गिर रहे थे, हमसे कह रहे थे गारंटी दो, इंसान इंसान की गारंटी थी जो कोई नहीं दे सकता, और क्या हुआ, अंगूर खाते हुए जिस जहाज में वो एम्बुलेंस दी थी, और जवाब क्या दे रहे, वो एयर होस्टेस जो थी ना, उन्होंने नर्स थी वो, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको आइन का आर्टिकल पढ़ के सुना देके प्लीज, आपकी गुफ्तगू जो है आइन के मुताबिक नहीं। मीर साहब देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आइन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपकी अच्छी बात है क्या आप मान रहे हैं, लेकिन आप सुन लें, मुझे आइन का आर्टिकल जो है, मैं अपनी दिल की बात आपके फोरम से कौम को बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बता दें कि जिस बीमारी प्लेटलेट्स का पूरा ड्रामा रचाया गया और आपको रिलीफ मिला, आप जहाज में अंगूर खाते हुए गए एयर होस्टेसों के साथ, वो एयर एम्बुलेंस नहीं थी, आज तक तस्वीर इनकी सारा मीडिया नहीं दिखा सका। सुने, फिर आप तो आपकी हुकूमत ने इजाजत दी ना सर, आपकी हुकूमत ने इजाजत दी, उसके बाद आप उतरे, आपने उतर के घर गए, घर में बैठने के बाद आपकी होटलों की तस्वीरें आ रही है, कौम और नून लीग का वोटर फिर देख रहा है कि सऊदी अरब की तरह ये फिर भाग गए। तो आप हुकूमत ये जो चार्जशीट आज मैंने की है उसके बाद तो दूली का आप उनकी, आप तो उनकी इजाजत कैंसिल क्यों नहीं करते, डंडे और लाते और घूसे खाने के लिए हम हैं, आप उनकी इजाजत कैंसिल क्यों नहीं करते, अपना इख्तदार बचाने के लिए साहब उनकी इजाजत कैंसिल क्यों नहीं करते, आपकी हुकूमत ने इजाजत दी है उनको बाहर जाने की। इतनी सब चीजों के बावजूद, ये ट्विटर अकाउंट होने के बावजूद भी मरियम नवाज के ऊपर कहा था ना नहीं जाने देंगे।